नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। डीजीएचएस यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने फोर्टिस हेल्थ केयर पर 503 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 1984 से 2007 के दौरान एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की ओर से गलत तरीके से मुनाफा कमाए जाने के मामले में लगाया गया। आपको बता दें, बाद में फोर्टिस हेल्थ केयर ने एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण कर लिया था। आरोप है कि कंपनी ने अस्पताल के लिए जमीन आवंटन के लीज नियमों का पालन नहीं किया। नियम के तहत सस्ती जमीन मिलने पर अस्पताल को गरीबों को रियायती दरों पर इलाज करना होता है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने कहा कि वो इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। असीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, आपसे जानना चाहेंगे मामला कितना गंभीर लग रहा है और आखिरकार इसका खुलासा हुआ कैसे? देखिए, सरकार जो है अस्पतालों को सस्ती जमीन पर सस्ती दरों पर जो है ज़मीन देती है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन भी लगाती है कि आपको गरीबों का इलाज जो है वो मुफ्त में करना होगा। ओपीडी में आपको 25% गरीब मरीजों का इलाज जो है मुफ्त में करना होगा और आईपीडी में 10% गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करना होगा। लेकिन और साथ ही साथ आपको हर साल ये अकाउंट्स के रिकॉर्ड जो है वो सौंपने होंगे। तो अकाउंट्स की जाँच जो है वो की DGHS ने और उन्होंने पाया कि जो स्कॉट्स है वो गरीबों का इलाज जो है मुफ्त में नहीं कर रहा। तो सब सालों का जोड़कर एक कलेक्टिव जुर्माना जो है एस्कॉट के ऊपर 500 करोड़ से का लगभग जो है वो लगाया गया है। हालांकि एस्कॉट्स का बाद में फोर्टिस ने अधिग्रहण कर लिया था। तो फोर्टिस का कहना है कि वो ये जो जुर्माना है उनके ऊपर गलत तरीके से जो है वो लगाया गया, उन्होंने सारे नियमों का जो है पालन किया है और इस मामले को वो दिल्ली हाईकोर्ट में उसको जल्दी चुनौती देंगे। शुक्रिया असीम इस बातचीत के लिए आपका। बात करते हैं विजय माल्या की, जिसे अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि घोषित अपराधी करने की बात कही जा रही है और ईडी ने कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले पर खटखटाया। इसे लेकर ईडी ने मुंबई के विशेष एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें, माल्या के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। माल्या को अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है तो ब्रिटेन से उनका प्रत्यर्पण कराने में आसानी होगी। माल्या पर 17 सरकारी बैंक्स का करीब 9000 करोड़ रुपए बकाया और कर्ज चुकाए बिना वो ब्रिटेन भाग गए। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसीज कर रही हैं। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों के अगले 100 दिन का एक्शन प्लान सौंप दिया है। जी हां, दूरसंचार विभाग को सौंपे गए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने कहा कि सर्विस सुधारने के लिए टावर लगाए जाएंगे। इस दौरान कंपनियां 60,000 बेस ट्रांसीवर साइट लगाएगी। ये बेस ट्रांसीवर साइट अगले 3 महीने में लगाई जाएगी। साथ ही दिल्ली में कंपनीज ने अगले 3 महीने में 100 नए टावर लगाने का भी वादा किया। इस मुद्दे पर आज टेलीकॉम सेक्रेटरी की टेलीकॉम कंपनीज के सीईओ के साथ बैठक भी हुई। बैठक में टेलीकॉम सचिव ने कहा कि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में नए टावर लगाने को मंजूरी दी गई है। That we would continue to do optimization of the cell towers that are involved. All right, that's the second area. The third area is dealing on a partnership basis with the DOT as well on the illegal repeaters that are prevalent in places like Delhi and Mumbai, dealing with interference that comes from the use of 800 bands, new operators coming in, the use of interference or the interference that comes from cross borders, which impact call quality and drop calls. So, अप्रैल में इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अप्रैल में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP ग्रोथ 3% से गिरकर -0.8% हो गई। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.9% से घटकर -3.1% हो गई, जबकि कैपिटल गुड्स ग्रोथ 5.5% से घटकर -24.9% हुई। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ भी 2.8% से घटकर -1.2% हो गई और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ 3.7% से घटकर -9.7% हो गई। तो बढ़ते हैं आगे और कच्चे तेल और मेटल जैसी कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से सरकार भले ही राहत की सांस ले रही हो, लेकिन इनका प्रोडक्शन करने वाले देशों का बुरा हाल है। कमोडिटी कीमतों में गिरावट के चलते अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के डॉलर रिजर्व में भारी गिरावट आई है। इससे न सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा बल्कि कई एक्सपोर्टर्स का पेमेंट भी फंस गया। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में गिरावट के चलते भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी सुधार हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्रूड और मेटल कीमतों में छाई सुस्ती से अफ्रीकी देशों के साथ साथ दक्षिण अमेरिकी देश भी नकदी संकट से जूझ रहे हैं।
इससे इन देशों में एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को समय पर पेमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है। इट इज स्टिल वेरी वेरी पोटेंशियल, सो आई थिंक इन द कमिंग डेज एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, बिकॉज नाउ एक्सिम बैंक इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड अफ्रीका इज नो डाउट लिक्विडिटी क्रंच इतना ज्यादा हुआ हुआ है, दे आर ऑल्सो वर्किंग हाउ टू कम टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। पिछले एक साल में एक्सपोर्ट 15% से ज्यादा गिरा है, लेकिन एक्सपोर्ट में ये गिरावट नाइजीरिया, इथियोपिया, अंगोला, घाना, अल्जीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में काफी ज्यादा है। अंगोला को एक्सपोर्ट में 66% की भारी कमी दर्ज हुई है। यही हाल लैटिन अमेरिकी देशों का भी है। एक्सपोर्ट्स को संकट से उबारने के लिए सरकार कई पेमेंट मैकेनिज्म के विकल्प तलाश रही है। लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने के साथ एक्सिम बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ पेमेंट संकट को सुलझाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा सरकार नाइजीरिया के साथ एस्क्रो अकाउंट खोलने की संभावनाएं भी तलाश रही है, ताकि पेमेंट का भुगतान रुपए में हो सके। एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है हमारा। 2014-15 में करीब 34 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था अफ्रीका को, और करीब 25 बिलियन डॉलर आ गया, 23% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। और उसका जो मेजर रीज़न वही है कि कॉमोडिटी प्राइसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, और कॉमोडिटी प्राइसेस की इम्पैक्ट से उन करेंसी में काफ़ी वॉलीटिलिटी हो गई है। अफ्रीकी देशों के लिए मौजूदा संकट से निकलने की चुनौती काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था कॉमोडिटी एक्सपोर्ट पर टिकी है। अगर कॉमोडिटी एक्सपोर्ट में सुधार नहीं होता तो भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को संकट से निकालना आसान नहीं होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा हो गया। नोएडा अथॉरिटी ने गुरुवार को प्रॉपर्टी के रेट में 14% का इजाफा कर दिया। इससे नोएडा में रेजिडेंशियल प्लॉट से लेकर फ्लैट और इंडस्ट्रियल प्लॉट महंगे हो गए हैं। नोएडा में अपने घर का सपना संजोए लोगों को नोएडा अथॉरिटी ने जोर का झटका दिया है। अथॉरिटी ने गुरुवार को कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सभी प्रॉपर्टी के रेट करीब 14.19% बढ़ा दिए हैं। यानी रेजिडेंशियल प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट, मकान और इंडस्ट्रियल इलाके में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इससे पहले नोएडा में 1 अप्रैल 2015 को प्रॉपर्टी के रेट 18.4% बढ़े थे। इस तरह पिछले साल से लेकर अब तक नोएडा की प्रॉपर्टी करीब 33% महंगी हो गई है। जो आप एक प्राइसिंग जो अचीव कर चुके थे ये सेक्टर्स, जो हम नोएडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो ए कैटेगरी के सेक्टर्स जो प्राइसिंग अचीव कर चुके थे उससे नीचे में माल बिक रहा है, तो आज की डेट में उसको बढ़ाने का कोई इसमें लॉजिक नहीं समझ आया। इट वुड ऐड ऑन टू द स्लो डाउन, जो स्लो डाउन है मार्केट में उसको ये ऐड ऑन करेगा। जो सिचुएशन है जिसको हम एंटिसिपेट करते थे कि नई गवर्नमेंट आएगी, पॉजिटिव रियल एस्टेट के लिए आएगा, इतनी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई, तो वो चीज़ सामने नहीं आ पाई। इसके साथ ही अथॉरिटी अब अलॉट होने वाली प्रॉपर्टी पर लीज रेंट और ट्रांसफर चार्ज नए रेट के हिसाब से वसूलेगी। अब ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट 47,891 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर 1,26,750 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के बीच होंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट 39,441 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर 92,950 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के बीच होंगे। अथॉरिटी के इस फैसले से फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी। इसका असर कम आय वाले लोगों के लिए बनाई गई समाजवादी आवासीय योजना के फ्लैटों पर भी पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है ये इसलिए गलत है कि सारे होम बायर्स ऑलरेडी, जिन लोगों ने पूरे पूरे पेमेंट दे रखे हैं, वो दो दो साल से, तीन तीन साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं। उनको ना एक तरफ जगह मिल रही है और ना उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट मिल रहे हैं, और ऐसे टाइम के ऊपर कि जब लोगों के घाव खुले हुए हैं, उस टाइम के ऊपर ये जो रेट की इंक्रीज है ये नमक छिड़कने के जैसी है। जमीन महंगी होने से स्कूल कॉलेज के लिए जमीन महंगी हो जाएगी, क्योंकि इनकी दरें सेक्टर रेट से जुड़ी हुई हैं। रेट बढ़ने से सिर्फ नए आवंटित होने वाले प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब सर्कल रेट बढ़ाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया। तो फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आपको बताएंगे इसकी पूरी प्रक्रिया क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा है तो आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर आपको सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर सर्विस टैक्स लगाने से छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर ने सर्विस टैक्स चार्ज किया है तो उसे ग्राहकों को 6% की ब्याज दर से पैसा वापस करना होगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स को राहत, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की बुकिंग पर डेवलपर सर्विस टैक्स नहीं ले सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले से फ्लैट खरीदने वाले होम बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले होम बायर्स से सर्विस टैक्स नहीं लिया जा सकता। हालांकि प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज के लिए ग्राहकों को सर्विस टैक्स चुकाना होगा। पीएलसी वो हिस्सा होता है जिसे बिल्डर ग्राहकों से उनके मनपसंद फ्लैट के लिए वसूलता है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की 25% कीमत पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स चुकाना होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिल्डर को ग्राहकों से वसूला सर्विस टैक्स 6% की ब्याज दर से वापस करना होगा। ये मामला नोएडा के सेक्टर 76 का है। यहाँ के कुछ होम बायर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बिल्डर द्वारा सर्विस टैक्स लेने पर केस दर्ज कराया था। होम बायर्स का कहना था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लॉज के अनुसार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की खरीदारी पर सर्विस टैक्स लेना गलत है। हालांकि ये फैसला अभी दिल्ली एनसीआर के लिए लागू होगा। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में देश के दूसरे हिस्सों में भी इस फैसले को नजीर मानते हुए इसे लागू किया जा सकता है। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए फसल बीमा की बात कर लेते हैं, जिसका लाभ लेने के लिए अब किसानों को भटकना नहीं होगा, बल्कि सरकार और बीमा कंपनियां उनके दरवाजे पर खुद ही पहुंचेंगी। सरकार क्रॉप इंश्योरेंस सेटलमेंट के लिए एक मेगा कैंपेन शुरू करने वाली है, जिसमें विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सस्ती फसल बीमा योजना लॉन्च करने के बाद सरकार अब उसका फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मुहिम चलाने जा रही है। यानी फसल का नुकसान होने की स्थिति में क्लेम कैसे हासिल करें, इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सेटलमेंट कैंपेन चलाने की तैयारी चल रही है। इस कैंपेन को इसरो, मौसम विभाग और राज्य सरकारें मिलकर चलाएंगी। सरकार फसल बीमा योजना के क्लेम सेटलमेंट में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने जा रही है। इसमें इसरो की ओर से डेवलप किए गए भुवन ऐप का भी इस्तेमाल होगा। साथ ही नुकसान के आकलन में तेजी के लिए कई जगहों पर लैब बनाए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसमें विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा सकती है। जहाँ तक भुवन की बात है, इसरो का जो मैप सर्विसेज, हम उनके मैप सर्विसेज हम यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने एक पोर्टल हमें दिया हुआ है जिसपे जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम गूगल की बात करते हैं, गूगल भी देखते हैं। तो बेसिकली जब भी आप गूगल की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट चीज़ ये होती है कि मैप, जो लोकेशंस क्या है। ऐसे ही भुवन भी एक पोर्टल है। किसानों को इंश्योरेंस का फायदा जल्द मिल सके, इसके लिए बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल पर क्लेम खारिज होने की संख्या और वजह बतानी होगी। आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसके चलते लॉस का एस्टिमेट में आपका 2-3 साल जो कंपनसेशन देने में लगता था, अब वो नहीं लग के अभी तो इमीडिएटली कहते कि कुछ चीज़ों का तो आपको इमीडिएटली 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्रॉप इंश्योरेंस सेटलमेंट योजना फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है। इसे पूरे देश में सितंबर से शुरू करने की योजना है। तो देश के करीब 8 करोड़ लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईएसआईसी के तहत आने वाले लोगों को डिस्पेंसरी में मिलेगी अस्पताल की सुविधा। इलाज और दवाइयों के अलावा अब ईएसआईसी डिस्पेंसरी में मरीजों को आपको बता दें भर्ती किया जा सकता है दिन भर के लिए दाखिल। और ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सरोजनी नगर में ईएसआईसी डिस्पेंसरी में 6 बिस्तरों वाली डे केयर सुविधा की शुरुआत की गई है। अब तक इस डिस्पेंसरी में मरीजों को प्राथमिक इलाज और दवाएं दी जाती थी, लेकिन सरकार की शुभ पहल पर ईएसआईसी डिस्पेंसरी को 6 बेड के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। शुभ समाचार ये भी है कि आगे चलकर 6 बिस्तर की सुविधा को बढ़ाकर 30 बिस्तर तक करने की योजना है। ये सुविधा दिल्ली एनसीआर की सभी मेन डिस्पेंसरियों में शुरू की जाएगी। देखिए, हम लोग एक अभियान ये चला रहे हैं कि खासकर दिल्ली में कि डिस्पेंसरी जो है हॉस्पिटल का लोड ले, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। डिस्पेंसरी ज़्यादा लोड कब लेगा, जब डिस्पेंसरी फैसिलिटी होगी। तो हम लोग डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को यहाँ रखा है हम लोगों ने। पैथोलॉजिकल फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पैथोलॉजी की जाँच यहीं पर हो जाए, ECG की जाँच यहीं हो जाए। उसी कड़ी में है कि 6 बेडेड अगर इंडोर भी काम यहाँ होना शुरू हो जाए तो फिर लोड घटेगा वहाँ पर। इस डिस्पेंसरी में लैब, एक्सरे, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन और फार्मेसी जैसी सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही चुनिंदा 9 डिस्पेंसरियों में फिजियोथेरेपी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा योजना ये भी है कि जो मरीज किसी वजह से फार्मेसी से दवा नहीं ले पाते, उन्हें कोरियर से दवाएं पहुंचाई जा सके।
Basically, the dispensaries are 32. They are providing primary health care services. People coming over here, we have attendance of about 18,500 to 20,000 per day in ESIC. कई बार डिस्पेंसरी में आए मरीजों को दिन भर की देखभाल की जरूरत होती है, जिसके लिए डॉक्टर मरीजों को ईएसआईसी के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। सिर्फ दिल्ली में ईएसआईसी के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में हर रोज करीब 20,000 लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधाएं इतनी चाहते हैं कि जैसे कि हमें ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ता था, ओखला जाना पड़ता था या फिर बसई धारापुर जाना पड़ता था, हमें आज जाना था PTINR टेस्ट करवाने जीबी पंत हॉस्पिटल, रेफर कर रखा गया था हमें ओखला से, मगर अब वो सुविधा हमको यहीं पे मिल रही है, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे उद्घाटन हुआ इस हॉस्पिटल का, और हमें जो सुविधाएं बाहर के हॉस्पिटलों में मिलती थी वो सुविधाएं सारी हमें यहाँ पे मिलेंगी। हम लोगों को बहुत यहाँ पे परेशानी होता था, सीधा रेफर किया जाता था बसई धारापुर और ओखला, और अब बहुत बेनिफिट हो गया, हमें यहीं पे सुविधा मिल रहा है। साफ सफाई भी यहाँ का बहुत बढ़िया है, सिस्टर भी लोग यहाँ के बहुत बढ़िया है, डॉक्टर भी ठीक है, और हम तो यहाँ काफ़ी दिन से आ रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगता था ये, तो मतलब बसई धारा और जगह से सबसे बढ़िया मेरे को यहाँ पे लगता है। ईएसआईसी राज्य सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत कर्मचारी और उनके परिवार को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाती है। ईएसआईसी के तहत वो कर्मचारी आते हैं जिनकी तनख्वाह प्रति माह 10,000 या उससे कम होती है। देश में करीब 1500 ईएसआईसी डिस्पेंसरी हैं, जो 7,90,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। सरकार ने नवंबर 2015 में करीब 500 डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के सरोजनी नगर में ईएसआईसी डिस्पेंसरी से की गई। अब 27 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने की भी योजना है। दिल्ली एनसीआर की सभी डिस्पेंसरियों में करीब 57,00,000 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। एक डिस्पेंसरी में हर रोज लगभग 350 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। ऐसे हालात में सरकार का डिस्पेंसरियों में अस्पताल की सुविधाएं मुहैया कराना ईएसआईसी के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।